हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ज़ेप्पी के मोबाइल कवर्स और स्पेशली कस्टमाइज्ड डिजाइन वाले कवर और उनके जेन्युइन रिव्यूज। ज़ेप्पी की वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करने के सिर्फ 4 दिन बाद मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया। पर देखा जाए तो ज़ेप्पी गुजरात में सूरत में है और मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, तो वैसे दोनों शहरों में ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, इसलिए शायद मुझे मेरा ऑर्डर 4 दिन में मिल गया। ज़ेप्पी ने ऑर्डर ब्लू डार्ट के थ्रू भेजा है। ज़ेप्पी से एक फोन कवर ऑर्डर करने पे 60 रुपीज़ के शिपिंग चार्जेस लगते हैं। वेबसाइट पे मेंशन है कि बाय एनी 3 आइटम्स एंड गेट फ्री शिपिंग। यहाँ अगर आप मोबाइल कवर ऑर्डर करते समय स्क्रीन गार्ड, की चेन या फिर फोन ग्रिप एड ऑन करते हो फिर भी शिपिंग चार्जेस लगेंगे। पर अगर आप सेम स्क्रीन गार्ड, की चेन या फिर फोन ग्रिप एड ऑन से नहीं पर इनके प्रोडक्ट मेन्यू से ऐड करते हैं जहाँ इनके प्राइस 99 है, तब आपको शिपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। इन शॉर्ट 297 रुपीज़ या अबव के परचेज पर शिपिंग नहीं लगेगी, वरना आपको 60 रुपीज़ की शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। मेरी एडवाइस है कि अगर आप 2 फोन कवर ले रहे हैं तो आपको शिपिंग के साथ 258 रुपीज़ लगेंगे। इससे अच्छा आप 39 रुपीज़ और पे करके 3 मोबाइल कवर ले लीजिए। चलो अब खोलते हैं बॉक्स। मैंने 2 कस्टमाइज्ड डिजाइन वाले हार्ड प्लास्टिक के फोन कवर ऑर्डर किए हैं, साथ ही मैं 1 कस्टमाइज्ड फोन ग्रिप और 1 कीचेन एड ऑन की है, जस्ट टू सी कि उनकी क्वालिटी कैसी है। मैंने कवर पर प्रिंट होने वाला डिजाइन फोटोशॉप में बनाया था। वैसे प्रिंटिंग के लिए यूजुअली 300 dpi में इमेज सबसे अच्छा प्रिंट क्लैरिटी देता है, पर मुझे गारंटी नहीं थी कि ज़ेप्पी के प्रिंटर 300 dpi के इमेजेस क्लियरली प्रिंट कर सकेंगे कि नहीं। इसलिए मैंने ज़ेप्पी के कस्टमर सपोर्ट ईमेल पर अपनी 300 dpi वाली इमेज भेजकर पूछा था कि वो क्लियरली प्रिंट हो सकती है कि नहीं। उन्होंने रिप्लाई में ये कहा, शायद इसका मतलब है क्लियरली प्रिंट हो सकती है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। मैंने एक दूसरा डिजाइन 72 dpi में बनाकर प्रिंट करवाया है, जस्ट टू सी द डिफरेंस। तो ये है पहला कवर 72 dpi वाला और ये वाला दूसरा कवर है 300 dpi वाला। ये है वो कीचेन सेम डिजाइन प्रिंट वाली जो मैंने कवर लेते समय 29 रुपीज़ में एड ऑन करी थी, और ये है फोन ग्रिप जिसमें मैंने कस्टमाइज प्रिंट करवाया जो है 99 रुपीज़ का। चलो सबसे पहले देखते हैं 300 dpi वाला कवर। वैसे आप लोगों को वीडियो में इसकी प्रिंट क्लैरिटी ठीक दिख रही होगी, पर मुझे पास से देखने पर पता चल रहा है कि थोड़ी क्लैरिटी ब्लर है। जैसे कि ये वो इमेज है जो मैंने भेजी थी और कवर पर ऐसी क्लैरिटी प्रिंट हुई है। चलो इसको फोन पर लगा के देखते हैं। अच्छा, बाय द वे, लास्ट टाइम मैंने ज़ेप्पी से स्क्रीन गार्ड मंगवाया था। मेरा फोन सैमसंग नोट 10 प्लस है, इसके साइड्स कर्व्ड है, पर स्क्रीन गार्ड के साइड्स कर्व नहीं है इसलिए ये साइड से चिपकता ही नहीं है और गैप में डस्ट चिपकती रहती है। ये स्क्रीन गार्ड छोटा भी है, पूरी तरह से स्क्रीन कवर भी नहीं होती है, ऊपर और नीचे से थोड़ी स्क्रीन रह जाती है। इस स्क्रीन गार्ड की वजह से फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज करने में फ़ोन को दिक्कत हो रही है और मुझे थंब जोर से प्रेस करना पड़ रहा है जिससे आई थिंक स्क्रीन डैमेज हो सकती है। इसके पैकेजिंग में लिखा है कि इट इंक्लूड स्क्रीन गार्ड, क्लीनिंग क्लोथ एंड अल्कोहल पैड, पर अंदर सिर्फ स्क्रीन गार्ड आया था। वैसे ये सिर्फ 29 रुपीज़ में एड ऑन में लिया था इसलिए कोई बात नहीं, पर ये स्क्रीन गार्ड सही नहीं है और मैं इसको वीडियो के बाद निकाल दूंगा। ये कवर की फिटिंग तो ठीक है, अच्छे से फोन पर फिट हो गया है। कुछ YouTube वीडियोस पे मैंने देखा था कि कुछ ज़ेप्पी के कवर साइड में से फिट नहीं होते हैं। ऑर्डर करते समय आप इमेज को एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से इमेज सेट करी थी ये एग्जैक्ट वैसे प्रिंट नहीं हुआ है, जिससे इसकी ऊपर और नीचे से प्रिंट कट हो चुकी है। ये है 72 dpi वाला कवर। इसकी प्रिंट पिछले वाले बैक कवर के प्रिंट से रिजोल्यूशन में कम है, पर इसकी क्लैरिटी उससे ज़्यादा है। इसका मतलब आप जितने इंट्रिकेट या डिटेलिंग वाले डिज़ाइन प्रिंट करवाएंगे वो उतना ब्लर प्रिंट होगा, आपका डिज़ाइन जितना सिंपल होगा वो उतना ही क्लियर आएगा। चलो अच्छा है, ये भी सही से फिट हो गया। ये है उसकी ओरिजिनल इमेज जो मैंने प्रिंट करवाई है। आप देख सकते हैं कि प्रिंट ठीक आई है, थोड़े कलर्स डल जरूर है। ये है फोन ग्रिप। वैसे तो मुझे फ़ोन ग्रिप यूज़ करने की आदत नहीं है, मैंने बस क्वालिटी चेक करने के लिए ये ऑर्डर किया है। जैसे ये डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, बस टेक्स्ट है और सिर्फ 2 कलर्स हैं, इसलिए ये ज़्यादा क्लैरिटी से प्रिंट हुआ है। ये वो मैचिंग किचन है जो मैंने कवर के साथ एड ऑन में 29 रुपीज़ में ली है। आई थिंक सब चीज़ों में से इसकी प्रिंट सबसे ज़्यादा ख़राब है। इवन कलर्स भी मैच नहीं हो रहे हैं और इवन पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ब्लर है। ये वाला सॉफ्ट सिलिकॉन कवर मैंने पिछली बार ज़ेप्पी से ऑर्डर किया है। अरे बहन, इसका प्रिंट तो दीवार के पेंट की पपड़ी जैसे निकल गया। वैसे तो मैं ये कवर 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता था कि इसका प्रिंट साइड से निकलना शुरू भी हो गया है। मुझे भी बस अभी ही पता चला है कि इसका प्रिंट तो बहुत ही ज़्यादा फालतू है। वैसे इसके साइड में कवर क्लियर है, वहाँ ज़ेप्पी ने कोई प्रिंट नहीं किया है।
सबसे पहले तो ये वो कवर है जो आमतौर पर क्लियर कवर या ट्रांसपेरेंट कवर के नाम से मार्केट में मिलता है। इस पर सिर्फ जप्पी ने प्रिंट किया है। जप्पी की वेबसाइट पर तो सॉफ्ट सिलिकॉन कवर लिखा था, तो मुझे लगा ये थोड़ा थिक होगा, पर ये बहुत ही पतला मटेरियल वाला क्लियर कवर है जिसकी प्रिंट बहुत ही आसानी से निकल सकती है। यूजुअली सॉफ्ट सिलिकॉन कवर आपके फ़ोन के सेफ्टी के लिए होता है, फ़ोन गिरने पर यह कवर शॉक एब्जॉर्व करते हैं, पर जप्पी का ये सिलिकॉन कवर बहुत ही पतला है, मुझे नहीं लगता कि आपके फ़ोन के गिरने पर फ़ोन प्रोटेक्ट कर पाएगा। इससे अच्छा मेरे लोकल शॉप से लिया हुआ सिलिकॉन कवर है जो मैं लास्ट 4 महीनों से यूज कर रहा हूं और ये सिर्फ 120 रुपए का है। ये मेरा 5 साल पुराना सैमसंग S8 प्लस है। इसका बैक कवर लोकल शॉप में मिल नहीं रहा था, इसलिए इंटरनेट पर सर्च करने पर मुझे जप्पी पर इसका बैक कवर मिला। इस तरह से मुझे जप्पी के बारे में पता चला। ये कवर कस्टमाइज नहीं है, इसका प्रिंट ठीक ठाक है, सुपर HD नहीं बोल सकते पर ठीक ठाक सा प्रिंट क्वालिटी है। सबसे पहले जप्पी के सॉफ्ट सिलिकॉन कवर किसी काम के नहीं है, ना ही ये आपके फोन को गिरने से डैमेज से बचा सकते हैं, ना ही इनकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी है। फिर बात की जाए इनके हार्ड स्नैप कवर की, तो ये भी आपके फोन को डैमेज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कुछ समय यूज करने के बाद इनके प्रिंट क्वालिटी के बारे में मैं आपको कमेंट सेक्शन में अपडेट करूंगा। इनका स्क्रीन गार्ड भी आपके फोन को स्क्रैचेस से बचा सकता है, पर फोन के गिरने पर आपके स्क्रीन को नहीं बचा पाएगा। कीचेन्स और फोन ग्रिप भी कुछ खास नहीं है। सो ओवरऑल जप्पी के प्राइस कम है पर क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है। अगर आपने भी जप्पी से फोन कवर लिया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा फेवरेट तो लोकल शॉप से लिया हुआ सिलिकॉन कवर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।